जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूं कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा आपको हमेशा स्वस्थ रखें, खुशियां आपके जीवन में लाएं, बाबा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और बाबा आपकी हर पल, हर मोड़ पर, हर राह पर आपकी रक्षा करें। आज का साईं संदेश, मेरे प्यारे बच्चे, मुश्किल घड़ी में हो, जब हम मुश्किल घड़ी में होते हैं, कभी पैसे की दिक्कत, कभी करियर की, तो कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम और कभी लोन ना चुका पाने का डर हमेशा हमारे मन में रहता है। हमारा जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है और इन सारी कठिनाइयों को हरने वाली सिर्फ एक ही है, हमारे भगवान, हमारे साईं। हम यूं ही नहीं कहते कि सबकी रक्षा करते हैं हमारे शिरडी वाले नाथ, हमारे साईं नाथ। दोस्तों, आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आई होंगी, लेकिन आपने क्लिक किस पर किया, इस वीडियो को आपने ओपन किया है, ये सब साईं जी की इच्छा से ही हुआ है कि आपने इस वीडियो को क्लिक करके इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो फिर अब इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाना, कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाना, शायद ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी हो। मेरी पूरी बात सुनकर जाना, मैं वादे से कहती हूँ कि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है, मैं वादे के साथ कह सकती हूँ कि यदि आपने गलती से ही सही इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, तो आपकी किस्मत इस वीडियो से बदल जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो और अब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो चिंता ना करें, कभी कभी तो भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जिनकी सब सुनते हैं, ऐसा हमें लगता है। आपको लग रहा होगा कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, तो ध्यान से सुनना, आपको दो बातें बताने जा रही हूँ। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, बस आप ये समझ लो आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपके जीवन में आशा की नई किरण आने वाली है। यदि आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, परिवार में सुख शांति नहीं है, आपको लग रहा है कि जीने का मन नहीं कर रहा, तो समझ जाना यही वह टर्निंग पॉइंट है जब आपकी लाइफ का, जहां से आपका जीवन बदलने वाला है। तो समझ जाइए कि ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले जब आपको लगता है कि भगवान भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे और जब आपको जीने का मन नहीं करता, ये दो ऐसे संकेत हैं जिससे आपको लगेगा कि सब रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, भगवान कुछ नहीं बचा, और जब आप पूरी तरह से ब्लैंक हो चुके हो, आपको ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आपकी लाइफ एक मोड़ लेती है। आप ये मत सोचना कि आपकी लाइफ का अंत है, ये आपके दुखों का अंत है। आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जिसकी पोजीशन जितनी हाई होती है उतना ही एग्ज़ाम उसका टफ होता है, ये बात तो आपको पता ही है ना। जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं तो एग्ज़ाम हमारे कम टफ वाले होते हैं, जैसे जैसे हमारी स्टडी का लेवल अप होता है, वैसे वैसे ही तो हमारे एग्ज़ाम भी टफ होते जाते हैं, जी तो सब जानते हैं। वैसे ही भगवान आपकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, अगर जे आप सोच रहे हैं वह आपको, तो वो इसीलिए क्योंकि वह आपको बहुत कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं जो आज तक उन्होंने किसी को भी नहीं दिया, तो इसीलिए
आपकी इतनी ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है। तो मेरे दोस्तों, कभी भी हार मत मानना और साईं जी के प्रति अपना विश्वास मत खोना। चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो, क्या पता वो आपको देख रहे हों। वह भी सोचेंगे कि इतना गंदा और बुरा समय आने के बाद भी इसका मेरे प्रति विश्वास टूटा नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ज़िंदगी में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय भी आता है। यदि हद से ज़्यादा नीचे चले गए हो, जहाँ पर आप टूट चुके हो, तो भरोसा रखिए, आप बहुत ऊपर जाने वाले हो। जैसे शेर बहुत ऊंची छलांग लगाने के लिए दो स्टेप पीछे लेता है ना, वैसे ही अगर आप दुखों में घिर चुके हो तो यकीन मानिए आपका टर्निंग पॉइंट वही है। और कभी भी अपने साईं से, अपने भगवान के ऊपर कभी भी विश्वास को मत खोना। साईं जी बैठे हैं ना, वो न्याय के लिए ही बैठे हैं। वे आपकी ज़रूर सुनेंगे और हर किसी को लाइफ में सफलता मिलने से पहले बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए कभी भी डरना नहीं, कोई साथ दे या फिर ना दे, लेकिन अंत में साईंनाथ हमारा साथ देंगे। अगर आप बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो। जे आपके द्वारा किया गया एक नेक कर्म होगा और बाबा इसे देखकर बहुत ही खुश होंगे। अगर बाबा को खुश करना चाहते हैं, बाबा को खुश देखना चाहते हैं, तो जे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि क्या पता आपकी आप द्वारा शेयर की गई ये वीडियो किसी को खुशियां दे दे और किसी को कुछ सीखने के लिए किसी को कुछ पॉजिटिव मिल जाए। अगर आपको भी इस वीडियो से ज़रा सी भी मोटिवेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। साईं जी आपका भला करें, आपको खुशियां ही खुशियां दें और आपकी रक्षा करें। साईं बाबा ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय साईं राम।